हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और मैं आज थोड़ा सा कुछ बेसिक चलने चल रही हूँ जो नीट आईआईटी 11 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपने पढ़ाया है शायद, रूल आपने पढ़ा था, एक एक बहुत अच्छा सा रूल है, दैट इज मार्कोनिक ऑफ रूल। शायद आपको याद हो, मार्कोनिक ऑफ रूल। और दूसरा आप पढ़ते हैं सेटजेफ रूल। क्या पढ़ते हैं आप? सेटजेफ। आप इन दोनों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं भाई साहब, आप ऐसा होता है जनरली। तो बस एकदम क्लियर कट, मैं सोचूंगी 5 मिनट में दोनों को क्लियर करूं, थोड़ा सा समझिएगा। कुछ नहीं भैया, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। क्या है? इनवर्स। अब इनवर्स का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, उल्टे हैं। उल्टे हैं मतलब कि एक चीज सुनिएगा, मार्कोनिक ऑफ रूल में एडिशन होता है। क्या होता है? एडिशन, किसी भी चीज का एडिशन। स्पेशली आपने जो दिया हुआ है, आप किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं या H2O का एडिशन, ठीक है? तो मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या होता है? एडिशन होता है। जबकि सेटजेफ रूल में दूसरा टर्म होता है आपका एलिमिनेशन। क्या होता है? एलिमिनेशन। मैंने नोट्स बना रखा है, आपको टेलीग्राम चैनल पे ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी बस समझ लीजिए कि क्या होता है, क्योंकि देखिए किताबें बहुत सारी हैं, आप नोट्स भी बहुत रखते हो, आपको क्लियर नहीं होता। पहले आप क्लियर कर लो भाई। तो इसमें भी जब एलिमिनेशन होगा तो आपका HX का ही होगा, और अगर बहुत होगा तो H2O का होगा, ठीक है? तो बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अब क्या है, यानी कि एक बात क्लियर होगी। अच्छा, थोड़ा सा और याद रखिएगा, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है, एक टर्म है बीटा एलिमिनेशन। इसका क्या मतलब है, पहले आप इन चीजों को समझिए फिर अप्लाई करिए। बीटा एलिमिनेशन का मतलब है आप बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेंगे। क्या करेंगे? बीटा पोजीशन से। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ एक, तो जैसे देखिए ये CH3, ये आपका CH, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, या मान लीजिए जो भी है आपका ये CH है, और दूसरा यहाँ पे एक हेलोजन लगा हुआ और ये CH3। ओके, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। तो आप देखिए, पहले आप चेक करिए, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रही हूँ, कलर इसलिए चेंज करना पड़ रहा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आप देखिए, पहले फंक्शनल ग्रुप जिस पोजीशन पे लगा है उसको पहचानिए, वो होता है आपका अल्फा हाइड्रोजन। क्या होता है? अल्फा वाला। तो उसके जस्ट बगल वाले क्या होते हैं? बीटा, यानी ये बीटा और ये बीटा। तो बस बीटा एलिमिनेशन का मतलब है कि जब आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे, क्या रिमूव करोगे? एच। अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो वो बीटा पोजीशन से करोगे। कहां से करोगे? बीटा पोजीशन से। आप कैसे करोगे वही सेटजेफ रूल बताता है, ठीक है? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के ही बताती हूँ, पहले एक मार्कोनिक का और फिर एक सेटजेफ का। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्कोनिक की। किसकी बात करते हैं? मार्कोनिक कॉफ रूल की, ठीक? कुछ नहीं करना भैया, एक एग्जाम्पल देखिए। आपको क्या करना है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेनी है। क्या लेनी है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब ये क्या है भाई? अनसिमेट्रिकल एल्कीन जिसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड के अगल बगल थोड़ा डिफरेंस हो। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। तो देखिए ये CH3 आपका, ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखिए भैया, आप पहले क्या करिए, अनसिमेट्रिकल पहचानिए। अनसिमेट्रिकल के हिसाब से आप देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड है आपका, उसके जस्ट बगल कौन सा ग्रुप है? CH2। फिर देखिए अनसिमेट्रिकल मतलब दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए डबल बॉन्ड के बगल, तो इसको हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। मतलब आपने, अब क्या करना है आपको, इस पे ऐड कराना है HX, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन? एडिशन। तो भैया कुछ नहीं, जो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है कि ये जो हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन उस कार्बन पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो कुछ नहीं करना है, यहां से चेक करिए। देखिए मैं लिखती हूं इसको वापस, देख रहे हैं ये? तो आपको क्या करना है, आप पहले डबल बॉन्ड चूज करिए, ठीक है? और डबल बॉन्ड के जस्ट बगल बगल देख लीजिए, यही डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट बगल ये कार्बन, फिर ये कार्बन। यहां पे आपको ये देखना है कि इस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है ना। तो यही कह रहा है मार्कोनिक ऑफ रूल कि आप चुपचाप क्या कर दीजिए, ये बॉन्ड ब्रेक करिए और यहां से उठाइए एच। क्या उठाइए? एच, ठीक है? आप आसानी से एच उठाइए तो दूसरा कौन बचा? एक्स। और उस एक्स को उठा के यहां लगा दीजिए, ठीक है? तो देखिए जो आपका प्रोडक्ट बन के आया, दैट इज CH3 और CHX, और ये हो गया आपका CH2, CH2 प्लस 1H, तो 3। ये आपका जो प्रोडक्ट बनता है, ये मेजर, यही आपका क्या है? मार्कोनिक ऑफ रूल। मैंने लिख रखा है खर्रा, मैं आपको देती हूँ, पहले आप समझिए, ठीक है? बस कुछ करना नहीं है, जहां डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा, वहीं पे आप हाइड्रोजन लगाइए, और जहां कम वहां पे आप क्या लगाइए? हेलोजन। सेम एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल इस पर ले लेते हैं, इसी को इरेज करके मैं ले लेती हूँ। चलिए देखते हैं, अगर मैं कहूं आपको CH3 CH और CH2 मैंने ले लिया, अब इस पे आपको ऐड कराना है वाटर। क्या कराना है? वाटर। वैसे ये रिएक्शन जो होती है एसिडिक मीडियम में होती है, तो आपको क्या ऐड करना है? वाटर। अब कुछ नहीं, फिर आप पकड़िए, ध्यान से पकड़ लीजिए, यहां से आपको पता ये टूटेगा किसमें? एच प्लस में और OH माइनस में। कुछ नहीं करना भैया, आपको पता लग गया ना, ये बॉन्ड तोड़ेंगे आप, ये एच उठा के यहाँ फिक्स करा दीजिए
और ये वाला ओ एच उठा के यहाँ फिक्स करिए। तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा सी एच थ्री सी एच ओ एच, ठीक है, और ये सी एच टू थ्री, ये आपका प्रोडक्ट। अब इसका नाम लिख लीजिए, तो देखिए इसका नाम लिख जाएगा आपका 1 2 3 सेकेंड, सेकेंड कार्बन पे ऑल लगा है, मतलब कि प्रोपेन प्रोपेन ओके टू ऑल, ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप यहीं पे क्या अप्लाई करते हैं, एंटी मार्कोनिक, क्या अप्लाई करते हैं, एंटी मार्कोनिक। तो चलिए इसका भी देखिए क्या प्रोडक्ट बन के आता है कि अगर एंटी मार्कोनिक हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा। चलिए मान लीजिए मैंने लिखा CH3 ओके और CH और डबल बॉन्ड CH2 ओके। अब मैंने देखिए एंटी मार्कोनिक का एक्सेप्शन है, याद रख लीजिएगा ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है, एकदम मार्कोनिक का उल्टा होता है, ठीक है, कुछ नहीं करना भैया। एक एग्जांपल आपने दिया है HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ऐसा 12th क्लास में, कहां दिया ये 12th क्लास की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और इस जगह पे बस यही एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आप एंटी मार्कोनिक लगाएंगे, तो भैया मार्कोनिक का उल्टा। अब क्या करना है, एंटी मार्कोनिक में आपको एच कहां उठा के पुट करना है, इस वाले पे, और Br कहां पुट करना है, इस वाले पे, और ये बॉन्ड तोड़ देना है। तो अगला प्रोडक्ट देखिए क्या बन रहा है एंटी मार्कोनिक का, सी एच ओके टू और ये सी एच टू बी आर, देख रहे हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ये 1 डिग्री बन रहा है। इसका आपको नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, ब्रोमो प्रोपेन, ये तो होगा, तो दैट इज ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा एक चीज और सुनिएगा, जब आप कभी रिएक्शन कराते हैं तो मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिक ऑफ रूल वाला होता है, क्या होता है मार्कोनिक, ये एक्सेप्शन है, दिस इज एक्सेप्शन, इसको छोड़ करके, मतलब आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा मार्कोनिक का, और दूसरा एंटी मार्कोनिक वाला प्रोडक्ट बनेगा लेकिन बहुत कम बनता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया मार्कोनिक का रिजल्ट। अब इसी पे हम बात कर लेते हैं साथ में कंट्रास्ट के लिए, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो सेटजेफ रूल क्या बात करेंगे हम, सेटजेफ, चलो भैया ये भी देख लेते हैं, कुछ करना नहीं, आप एग्जाम्पल से समझोगे आसानी से। एक एग्जाम्पल लिया मैंने सी एच थ्री सी एच और सी एच थ्री या सी एच टू, इस पे लगा दिया मैंने X और ये सी एच, बस इतना ही ले लेते हैं, ये सी एच थ्री, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आप देखिए ये बैलेंस है एकदम, कार्बन की चार बैलेंसिंग होती है ये चीज है। अब आपको पता है आपको अगर यहाँ पे रिएजेंट मैं दे दूं एल्कोहलिक KOH, आप समझ गए ना ये रिएजेंट होगा, ठीक है, यही रिएजेंट होता है आपका, कुछ नहीं करना भैया। सेटजेफ रूल क्या कहता है, जहां कम हाइड्रोजन है, क्या है कम हाइड्रोजन, वहां से आप देखिए दिस इज अल्फा पोजीशन ओके, अल्फा के बाद ये बीटा वन और ये बीटा टू, तो आपको क्या करना है सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग, जहां कम हाइड्रोजन है, क्या है भैया कम हाइड्रोजन, वहां से आपको हाइड्रोजन निकालना है एक्स के साथ, क्योंकि एलिमिनेशन आपको निकालना एच एक्स ही है, माइनस करना है, लेकिन इस जगह से आप एच निकालेंगे और यहां से क्या निकालेंगे एक्स निकालेंगे। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा दैट इज सी एच थ्री सी एच, देखिएगा ध्यान से, और सी एच ये आपका बैलेंसी नहीं सेटिस्फाइड थी सी एच, और ये हो जाएगा आपका सी एच थ्री। अब देखिए भैया दोनों की एक एक बैलेंसी खाली हुई तो उसको हम डबल बॉन्ड बना देंगे, मतलब एक बात आपको और क्लियर हो गई कि सेटजेफ का जो होता है, अब देखिए ये मेजर है, ये जो एल्कीन बन रहा है इसका नाम लिख लीजिए ब्यूट टू इन, क्या नाम होगा इसका देखिए ब्यूट टू इन ओके। लेकिन अब देखिए ऐसा नहीं कि क्या ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला भी प्रोडक्ट आपका बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका सी एच थ्री और सी एच टू, ये ऐसे ही रहेगा और ये सी एच, और यहां से आप एक एच निकालेंगे तो ये हो जाएगा सी एच टू, यहां से बैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे ये डबल बॉन्ड, तो ये भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन भी आपका प्रोडक्ट बनेगा। बट भैया ये क्या होगा आपका माइनर, मतलब ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, जबकि ये वाला क्या होगा मेजर। अगर आपसे इसका रीजन पूछा जाए तो कार्बोकेटायन इसका सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि भैया देखिए क्या होता है, ये वाला कार्बोकेटायन आपका क्या देख लीजिए 2 डिग्री है, जबकि ये वाला क्या होगा आपका 1 डिग्री, तो इसीलिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी एक अलग रीजन है, लेकिन बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है दोनों में डिफरेंस क्या है सेटजेफ और मार्कोनिक में। अब मैंने कुछ समराइज फॉर्म में यहाँ कंटेंट लिख रखा है, मैं उसको रिवाइज करा देती हूँ, तो चलिए और आप एकदम अच्छे से लिख लीजिए और समझिए। भैया देखिए मैंने क्या कहा, मार्कोनिक ऑफ रूल आपका किस पे अप्लाई होता है, दैट इज एडिशन रिएक्शन पे, और दूसरा अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अभी मैंने प्रूफ किया। दूसरा ये क्या बताता है कि जो हाइड्रोजन होगा वो उस कार्बन पे ऐड होगा जिसमें ऑलरेडी क्या हो ज्यादा हाइड्रोजन हो, ये मैंने बताया आपको, तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कम हाइड्रोजन वाले पार्ट पे जाएगा। सेम अगर हम बात करें सेटजेफ की, तो ये एलिमिनेशन मैंने बताया बीटा पोजीशन से एलिमिनेशन आप करेंगे, इसलिए बीटा एलिमिनेशन। अच्छा ये क्या कहता है, एच वहां से जाएगा जहां पे लेस हाइड्रोजन हो, मैंने अभी एग्जांपल आपको करके दिखाया, आप वीडियो वापस रिवर्स करके देख लीजिए समझ आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें
तो और क्या इसमें डिफरेंस है, मैंने सारा डिफरेंस लिख दिया ताकि आप समझे। दूसरा ये किसका एग्जांपल है, हाइड्रोहैलोजिनेशन। भैया हाइड्रोजन प्लस हैलोजन ऐड हो रहा है तो ये हाइड्रोहैलोजिनेशन का एग्जांपल है। दूसरा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है, मैकेनिज्म इसकी यही लगती है। ठीक है, ओह शिट, कहां से चीजें हो जाती हैं कुछ। चलिए दूसरा अगर मैं बात करूं इसका रिएजेंट क्या होगा, तो आपको पता है HX और H2O। अच्छा थोड़ा सा अगर हम बात करें, किसकी बात करें, रिएजेंट की, किसकी बात करें, रिएजेंट तो हो गया आपका। अगर हम बात करें सबस्ट्रेट की, किसकी बात करें, सबस्ट्रेट समझते हैं मतलब कि जो आप रिएक्टेंट लेते हैं, सबस्ट्रेट जो आपका होगा दैट इज एल्कीन। इसमें क्या होता है, एल्कीन, वो भी अनसिमेट्रिकल, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सेम अगर हम इधर आ जाएं तो मैंने बताया ये कौन सा रूल फॉलो करता है, बीटा डी हाइड्रो, डी मतलब निकालना, ठीक है आप निकाल रहे हो। दूसरा एलिमिनेशन मैकेनिज्म E1 E2 है, एक दिन वीडियो बना दिया जाएगा, आप लंबा वीडियो ना पढ़े। दूसरा रिएजेंट इसका फिक्स है अल्कोहलिक या इथेनॉलिक KOH, और ये हो गया आपका मीडियम, कैसा मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम। और थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो अगला मैंने एग्जांपल में ही दिखाया था, तो बस देख लीजिए आपको प्रोडक्ट बनाना है, लास्ट टाइम आप ट्राई करिएगा, पहले आप ट्राई करिए, वरना मैं बता देती हूँ मार्कोनी कॉफ रूल आपको पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया। मार्कोनी कॉफ रूल क्या कहता है, ये H उठाओ चुपचाप यहाँ लगाओ और ये H उठा के यहाँ लगाओ और ये बॉन्ड तोड़ दो, प्रोडक्ट बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा आपका CH3CH और यहाँ पे X लग जाएगा क्योंकि X आ रहा है यहाँ पे और ये CH3। ओके ये आपका जो बनेगा दैट इज मेजर प्रोडक्ट, क्या होगा ये मेजर। अच्छा कभी कभी माइनर भी पूछ लेता है तो कुछ नहीं करना, उल्टा इसका जस्ट उल्टा। तो देखिए माइनर क्या हो जाएगा आपका CH3CH2H जाएगा ना इधर और ये CH2X, ये आपका माइनर हो जाएगा। ठीक है तो एकदम आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। दूसरा सेजेफ का दिया हुआ है, अब फिर आप समझदार हो, इसमें तो देख लीजिए भैया ये अल्फा, ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। आप ध्यान से देखिए, पहली बात दोनों तरफ सेम है, चाहे आप इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा। मतलब चलिए आप एक काम करते हैं, चलिए हम निकाल के देख लेते हैं, यहां से एक्स और यहां से एक एच निकाल देते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ओके ये बन गया आपका प्रोडक्ट, इसका नाम आप देखिए तो सिंपल सी बात है ये प्रोपीन है, क्या है प्रोपीन है। ठीक है अच्छा दूसरा अगर आप इस साइड से निकाल के चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, तभी देखिए क्या बनेगा CH3, इधर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3। भैया देख लीजिए ये भी प्रोपीन ही है, क्या है प्रोपीन। तो आप एक काम करिए वीडियो पॉज होकर करना। अच्छा यहां पे दिक्कत आएगी, अब यहां देखिए पहले आप पहचानिए अल्फा, कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई और कलर लेती हूँ। हाँ ये देखिए पहले आप अल्फा पहचानिए, अल्फा के बाद ये बीटा और ये बीटा। अब भैया देखो दोनों बीटा में डिफरेंस है, ये बीटा वन ये बीटा टू। कम हाइड्रोजन कहाँ है, जहां कम हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन निकालना है, तो देखिए यहां से एक HX निकालिए तो मेजर आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 एंड CH, उसके साथ क्या बनेगा आपका CH डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये CH3। एक तो ये प्रोडक्ट, इसका नाम आप लिखेंगे तो ब्यूटूइन, क्या नाम होगा आपका ब्यूटूइन। आगे आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे जिससे आपका कवर अप हो जाए। अच्छा दूसरा अगर बाहर लीजिए ये मेजर होगा, क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। अगर माइनर की बात करें तो माइनर प्लीज आप कमेंट करें, बहुत कुछ करना नहीं है, यहां से हाइड्रोजन निकाल के ये एल्कीन बनानी है। ओके तो माइनर को आप क्या कर रहे हैं, कमेंट करिए, माइनर को आप कमेंट करिए। तो ये चीजें थी आपकी किसकी एग्जाम्पल। अब थोड़ा एक दो करते एक काम करते हैं, वैसे वीडियो बहुत लंबा होता है, चलिए एक दो क्वेश्चन कर ही लेते हैं हम लोग, ये PDF में सेव करके आपको भेज दूंगी, तो मैं क्वेश्चन करा दूंगी और आप लोग बस इतना जानिए कि सेटजेप और इसमें डिफरेंस क्या, और भी चीजें हैं बेटा। अगर मैं अभी मैंने क्या बताया आपका काम हो जाए, ओके ये पूरा डाटा नहीं है, आप ये सोचिए पूरा डाटा है, पूरा डाटा नहीं है, ये काम होने के लिए डाटा है। आप क्वेश्चन करेंगे आपके काम क्वेश्चन होने लगेंगे इन रूल्स के, तो अगर आपको पूरा कंटेंट पढ़ना है तो उसका एक अच्छा सा प्रॉपर वीडियो होता है, आपको भी पता है एक घंटे का लेक्चर होता है। क्लियरली आप तैयार होइए, कमेंट करिए, हम एकदम पढ़ाने को तैयार हैं। चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और बोर्ड एग्जाम पास में तो प्लीज पढ़ते रहे, नीट IIT के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट ऑल द बेस्ट, एंजॉय करते रहिए।